जोधपुर भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा के लिए जाना जाता है। ये राष्ट्र के प्रति निष्ठा, त्याग और बलिदान की पावन धरती है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज राजस्थान और देश के अलग अलग कोने से बड़ी संख्या के अंदर पधारे रावणा राज समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे देश, विशेष रूप से राजस्थान की धरती, वीर योद्धाओं की एक परंपराओं की धरती रही है। मारवाड़ की धरती, ऐसे वीर योद्धा हुए जिनकी वीरता की गाथाएं केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी याद की जाती है। हमारे वीरों ने देश और विदेश में अपनी शौर्य गाथाओं की अमिट छाप छोड़ी है। विदेशों में भी उनके अद्वितीय साहस, वीरता और सम्मान के लिए उन्हें जाता है। मेजर दलपत सिंह जी इसी धरती के वीर योद्धा में से एक हैं। आज हम सभी लोग शौर्य और पराक्रम के प्रतीक मेजर दलपत सिंह जी के 104वें बलिदान दिवस पर उनको याद करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी वीरता और साहस आज भी भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व याद करता है। मेजर दलपत सिंह जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि करता हूं, जिनके कारण राजस्थान और भारत का मान गौरव सम्मान बढ़ा। मेजर दलपत सिंह जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने शौर्य वीरता से राजस्थान की धरती का इतिहास में नाम कर दिया। उन्होंने उस समय जिस तरीके से युद्ध लड़ा, अपना बलिदान दिया, वह आज भी पूरे विश्व के अंदर प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका गौरवशाली इतिहास आज हम सबको नई शक्ति, नई ऊर्जा करने के लिए प्रेरणा देता है। रावणा राजपूत समाज को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज उनके बलिदान दिवस पर एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम किया है। राणा राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो कड़ी मेहनत, शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्र के प्रति एक कड़ी निष्ठा रखने वाला समाज है। राणा राजपूत समाज ने हमेशा देश और प्रदेश में अपने कर्तव्यनिष्ठ परिश्रम और स्वाभिमान के कारण एक स्थान बनाया है। हमारे इसी समाज के शिक्षाविद श्री पन्नालाल जी, विशालदार भामाशाह श्री बख्शी सिंह जी, समाज सेवी स्वतंत्रता सेनी श्री धनरूप जी आर्य जैसे लोगों को हम याद करते हैं, जिन्होंने देश और प्रदेश में असाधारण रूप से सेवा की और इस समाज का गौरव और सम्मान बढ़ाया। रावणा राजपूत समाज के अंदर पिछले वर्षों के अंदर व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए। समाज के वरिष्ठ लोगों ने समाज में सामाजिक कुरीतियों के लिए एक व्यापक अभियान चलाया, जिसके कारण समाज को एक नई व्यापक दिशा मिली है। राजस्थान और देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मेरा रावणा राजपूत समाज से बड़ा निकट का संबंध है। कोटा के अंदर भी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर रावणा राजपूत समाज के लोग रहते हैं। उनकी संकल्प, सेवा, ईमानदारी, निष्ठा मुझे अच्छी तरह पता है कि उन्होंने कितना योगदान इस समाज को दिया है। केवल रावणा राजपूत समाज को नहीं, संपूर्ण समाज में उनकी सेवाओं की एक सकारात्मक दिशा मिलती है। मैं विशेष रूप से रावणा राजपूत समाज के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप देश की सीमा पर रक्षा करने का काम करते हैं। आप शिक्षा के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, विज्ञान के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों में आपने एक महत्वपूर्ण काम किए हैं। हम चाहेंगे कि जिन नौजवानों ने अपने अपने क्षेत्र में
से काम किए, समाज के और नौजवानों को भी जोड़े ताकि हम समाज के सभी नौजवानों को आगे ले सके। इसी तरीके से रावणा राव समाज ने जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं, आने वाले समय में हमें और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ महिला शिक्षा के बारे में। महिला शिक्षा आज की बड़ी आवश्यकता है और हमें गर्व है कि भारत के अंदर हमारी महिलाएं अलग अलग क्षेत्र के अंदर व्यापक रूप से नेतृत्व कर रही है। समाज का कोई क्षेत्र नहीं, हमारे सेना के अंदर अर्धसैनिक बल में, पुलिस में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर फाइटर प्लेट पायलट के रूप में भी हमारी महिलाओं ने पूरे विश्व के अंदर फाइटर प्लेन चलाने में अगर कोई शौर्य का प्रतीक के रूप में तो हमारी महिला जगत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज मैं देख रहा हूँ बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि हम किस तरीके से बालिका शिक्षा के अंदर समाज के अंदर एक व्यापक परिवर्तन ला सकते। मुझे पता है कि रावणा राजपूत समाज की कई बहनें और बेटियों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उसी का प्रेरणा लेकर आने वाले समय के अंदर हम महिला शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, एक पीढ़ी शिक्षित और संस्कारित होती है। इसलिए मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है कि हमें महिला शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के दिन हम मेजर दलपत सिंह जी को याद करते हैं क्योंकि उनके पराक्रम, उन्होंने जिस तरीके से आईपा युद्ध के अंदर जहां पर मशीन गन थी, गोलियां थी, लेकिन उनके पास भाले थे, उसके बाद भी उनका साहस अद्भुत था और इसी साहस के कारण, इसी आत्मविश्वास के कारण उन्होंने वह युद्ध जीतकर दुनिया को एक दिशा दी कि किस तरीके से अगर व्यक्ति के अंदर शौर्य हो, ताकत हो, सामर्थ्य हो तो कोई भी युद्ध जीत सकता है। उन्हीं का दृष्टिकोण अपनाते हुए, उनके दिए गए शौर्य, उनकी पराक्रम को हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम किस तरीके से दलपत सिंह जी से प्रेरणा लें कि आने वाले समय में हम पूरी संकल्प के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ, अगर समर्पण सेवा के साथ काम करेंगे तो हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज की रचना इस तरह की है कि अपने अपने समाज को आगे बढ़ाए ताकि देश आगे बढ़े, और रावणा राजपूत समाज का इस देश की समृद्धि प्रसारी में बहुत बड़ा योगदान है। विशेष रूप से समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह जी भाटी, मेरे मित्र प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह जी सोडाला, एमएलए जबर सिंह जी सादला जी, एमएलए साहिबा मनीषा जी पवार, राजवीर सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री मदन सिंह जी, प्रदेश महामंत्री दुर्गा सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी राजी बाकी जी, सरसरी देवी सिंह जी भाटी, और सबको तहसील गांव ढाणी से आए सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से मैं रंजीत सिंह जी सोडाला, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कहा था लेकिन मैं नहीं आ पाया, मैं कह सकता हूँ कि मैं समाज के साथ हमेशा हूँ। समाज के सुख दुख के अंदर मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार हूँ। मेरी कोशिश है कि रावणा राजपूत समाज देश के अंदर आगे बढ़े और उसके लिए मेरी जब भी आवश्यकता हो मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और रंजीत सिंह जी सोडाला को विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने को इस समाज को जोड़ने की लंबी यात्रा की और वो जब भी मुझे मिलते हैं समाज को आगे बढ़ाने की चर्चा करते हैं। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।